हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ। दरअसल एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल कर दिया कि सर माँ क्या है। आप यकीन माने कि मैं उस वक्त एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए मैं खामोश हो गया। कई जवाब, कई माकूल और मोतबर जवाब मेरे पास थे। मैं सोचने लगा, मैं कहा इस वक्त ऐसे मौके मिले जहां बच्चों को ये बताने का आपको इत्तेफाक हो जाए कि माँ क्या है, बाप क्या है, भाई क्या है, रिश्ते क्या है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक टीचर को सिर्फ एक डेफिनेशन बता के काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जवाब के मदद से उनके अंदर एक जज्बे मोहब्बत माँ के लिए, रिश्तों के लिए पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल उसका जो सवाल था कि माँ क्या है, जवाब उसको मैंने दिया कि बेटा कोशिश कर रहा हूं बताने की, आप कोशिश करिएगा समझने की कि मां वो है जो हमें 9 महीने अपनी पेट में बड़ी हिफाजत से रखती है, बड़ी हिफाजत से रखती है। जैसे ही हम उसके पेट में आए, उसके पांव जमीन पे ठहर ठहर के पड़ने लगे। इसलिए नहीं कि उसे तकलीफ पहुंचे, तेज चलने की रफ्तार स्लो हो गई, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी जब हम उसके पेट में आए। इसलिए नहीं कि वो उसको थकान आ जाए, उसको तकलीफ से वो बच जाए, दुख से वो बच जाए, सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में उसकी औलाद है। मेरे तेज पांव रखने से कहीं मेरे आने वाला बच्चा, मेरी आने वाली बच्ची कहीं जाया ना हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं खराब न हो जाए। एक लम्हे से जब हम उसके पेट में आए, उस वक्त से हमारा ख्याल रखने वाली, हमारी देख रेख करने वाली, हमारी फिक्र करने वाली वो माँ है। जमीन पे आए बेबस, लाचार, मोहताज, अपने हाथों से खिलाने वाली मां है। छाती से दूध के रूप में खून अपना पिलाने वाली, हमारे इस कमजोर जिस्म को मजबूत बनाने वाली वो मां है। हमारे पेशाब को, हमारे पाखाने को, हमारी गंदगी को, बहती हुई नाक को साफ करने वाली, उस गंदगी में उठा के गले लगाने वाली, अपने आंचल में छुपाने वाली, अपनी गोद में लेने वाली, मोहब्बत की चादर में लपेटने वाली वो मां। एक एक पल, एक एक लम्हा फिक्र करने वाले,
एक खांसी पे रात भर जागने वाली, एक आह पे बेकरार हो जाने वाली मां है। हर ख्वाहिश के, हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने वाले, दुखों की कुर्बानी देने वाले, गमों को सहने वाले वो मां है। इस कमजोर जिस्म को मजबूत बनाने वाली मां है। उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाली मां, बाहों में अपने झूले झुलाने वाली मां, सर पे तेल रखने वाली मां है। रात भर ताजी हवा खिलाने के लिए कंधे पे सुलाने वाली मां है। हर वक्त अपने जिस्म से लगा के रखने वाली मां है। अपनी मोहब्बत की चादर में छुपा लेने वाली मां है। गम को अपने बच्चों से दूर रखने वाली और गम को खुद उठा लेने वाली, झेल लेने वाली मां। मोहब्बत की इस दुनिया में एक निशानी का नाम मां है। बलिदान, कुर्बानी, सैक्रिफाइस का नाम मां। बेगरज मोहब्बत करने वाले शख्सियत का नाम मां है। हर वक्त हमारा भला चाहने वाली मां है। हर वक्त हमारी फिक्र करने वाली मां है। कितना मैं बताऊं कि मां क्या है, आप कभी सोच के देखिए कि मां क्या है। आप सोच नहीं पाएंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा कि मां क्या है। मां एक मां है जिसकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। उस बच्चे को मैंने बताया, मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए एक बेहतर मौका है कि मैं कुछ बता सकूं। ये तो इस दौर में अब वक्त कहां है कि इस तरह की चीजें स्कूलों में, कॉलेजेस में बताई जाएं। इतना वक्त कहां, इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, सारी चीजें इंसान बच्चे सब उसी में मिंगल रहते हैं। बहरहाल मां ये है। आप भी प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मां को समझें, मां की अजमत दिल में रखें, उसकी खिदमत करें। उसका बदल दुनिया में कोई नहीं है, उसका बदल दुनिया में कोई नहीं है। बाप एक बहुत बड़ी दौलत है, उसको भी आप बाप की अजमत, उसकी मोहब्बत दिल में बैठाएं। उस दोनों माँ बाप सबकी खिदमत करें। अल्लाह ताला सिद्ध हमें इसका मौका दें। आमीन।